बाहर गिर रही है, बल्ले बल्ले देखो एकदम कॉपर के बाहर गिर रहे हैं। जब काटते हैं तो कहते चबा लिया, और जब पकड़ पाए वाली तो बड़ा चबाओ मिला तो पंजाब आ गए। बहुत अच्छा भाई तबीयत तो ये हाजी चबाओ रे नहीं कर पा रहे कि ले कौन सा जरका है चाइना हो रहा चाइना पूरा एकदम जो है भारी जबारी पतंग वाली है पतंग नहीं टूटेगी। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग गाइड के लिए मैं शाहिद अली एंड हाजी अदनान। दोस्तों आप हाजी जी को तो जानते हो, काफी समय के बाद आज हाजी जी हमारी शॉप पर तशरीफ लाए, आज अपना कीमती समय निकाल के आप सबके लिए आए। इंशाल्लाह कुछ जरूर अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ जानकारी आपको हाजी जी आज देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको फटाफट हाजी जी से मिलवाते हैं। हाजी जी कुछ बोलिए। आज आपको मैं इनकी नई दुकान का अच्छाई के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने अपनी नई दुकान खोलने के साथ 40 से 50 ब्रांड के मंचों का जो है स्टॉक कर रखा हुआ है, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े कारीगर आपको यहाँ पर हर टाइम 1, 2, 3, 4 जो भी कारीगर है सबके अच्छे स्टॉक से आपको मिलेंगे आपकी पसंद के लिए। बरेली के अच्छे से अच्छे नामचीन कारीगर बशीर बेग, एजाज बेग पर उनका बरेली लॉइन और जो उनका ड्रैगन है ब्रांड वो एनी टाइम इनके पास जो है स्टॉक रहता है। ये स्टॉकिस्ट भी हैं उसके डीलर भी हैं। इसके अलावा नए नए कारीगरों को इन्होंने मौका दिया है, कोशिश की है, उनकी डोरों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत ही अच्छा इन्होंने वहाँ अपना बरेली में जो है इस बाग का जो है फायदा दिया है और दिया है और आगे भी जो है इनकी पूरी कोशिश चल रही है। और अगले हफ्ते में जो फ्राइडे आएगा उसमें इनका नया स्टॉक और नए कारीगर कुछ और आएंगे। तो जो भी आप लोग पतंग के खिलाड़ी हैं एक बार इम्तिहान की नई शॉप पे जरूर आए और देखें कि छोटे कारीगरों के भी मंजे इन्होंने अपनी टेक्निक से जो बनवाए वो टेक्निक से बहुत अच्छे मंजे निकले और उन कारीगरों को फायदा है। जैसे ये देखिए जावेद बेग की डोर है, जावेद बेग का रिव्यू करेंगे। ये माजा है जावेद बेग का बेसिक वाला ब्लॉक नीचे वाला, इसके ऊपर उनका एक और आता लच्छी। तो आज हम ये जो रिव्यू करेंगे ये बेसिक वाला ही नीचे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल वाला है, लच्छी नहीं है ये। उसके ऊपर एक उनका और आता लच्छी मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये पहले बताइए माजा कैसा है। बेहतरीन डोर है, जंपिंग अच्छी है और प्राइस के हिसाब से भी डोर में बहुत खूबसूरती है और इस बात की इनकी गारंटी है कि आप अपना भरोसा इसको भी उड़ाए, एक वो उड़ाए ये उड़ाए, देखिए आप के डोर क्या है ना। बाकी जो है डोर में कोई भी कमी नहीं आ रही है, उसकी वजह ये है कि इसकी अपनी देख रेख बहुत अच्छी देख रेख है। ये उसका नीचे का ब्लॉक है, उसका जो है नंबर वन ब्लॉक हैगा लक्षी वाला और बहुत अच्छी डोर है जी। जितनी भी तारीफ की जाए इस डोर की बहुत अच्छी डोर है। इस डोर में इन्होंने जो है बहुत ज्यादा जो है कोटिंग अच्छी करवाई है और उसका नतीजा ये है कि रेखे मजबूती भी बहुत है और धार भी बहुत अच्छी है। ये है इनका परफेक्ट ब्रांड जावेद बेग लच्छी वाला। देखिए भाई रोमी साहब, ये हमारे फ्रेंड पे रोमी खा साहब, ये है हमारे बहुत अच्छे दोस्त रूमी भाई, रूमी खा साहब के नाम से जाते हैं और बहुत अच्छे भाई पटर है, इनके पेज वेज बहुत अच्छे हैं और हर तरह के पेज ये लड़ाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इनका एक परफेक्ट पेज हो, हर तरह से पेज लड़ाते हैं और अच्छी डोर की फर्क है इनको। रूमी भाई डोर कैसी है बताइए, अच्छी डोर कोई कमी होती ये लच्छी है और इनका एक ब्रांड और आता है वो वाला नहीं है। ये देखिए ये नॉर्मल पत्थर है, इसकी वाली ये पत्थर है बिल्कुल, ये देखिए नॉर्मल है, जैसी होनी चाहिए ये नॉर्मल डोर। क्या रेट की है ये डोर? ये वाली है 2300 रुपए का लच्छी नंबर वन जावेद भी पूरी गारंटी के साथ डोर की पूरी गारंटी। ये वाला पत्थर इसी वाली ये 1900 का है, बहुत अच्छा रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ब्लॉक है, ये डोर जो है दोनों का लड़ाई आपको दोनों बेनिफिट देगी और इससे जो नीचे गला ब्लॉक है वो हाथ पैर की डोर है, खूब लड़ा है, कम रेट के भी है और अपना भी है, दोनों ब्लॉक है। आपको डोर ये कैसी लगी? बहुत अच्छी डोर है, इसमें कोई कमी है, कोई कमी नहीं है, कहीं पे वजन में कमी नजर आई तुम्हें? कोई कमी आई डोर में? कमी आई मेहनत करी डोर है। पैटर्न कैसा है? मेहनत हुई है डोर में, गोल डोर करके बनाई है सुपाई में, बहुत अच्छी डोर बनाई है। तो ये दोस्तों एक जावेद बेग का है लच्छी माजा, ये इनका टॉप ब्लॉक है, इसके नीचे इनका आता है और ये जावेद बेग जो नॉर्मल वाला आता है, नॉर्मल डोर भी बहुत अच्छी होती है, नॉर्मल के भी मतलब 1-2-3 में होगी, इसकी 1-2-3 की हमारी पूरी गारंटी होती है, इसकी पूरी फुल गारंटी है। 1-2-3 में डोर बहुत अच्छी डोर है। तो एक माजा ये है इनका, अच्छा ये इस मौसम देखिए, मौसम बहुत लाउड डोर है, इस समय मौसम देखिए
इतना नम मौसम है डोर, लेकिन अरे अरे नम मौसम में बहुत कड़क है डोर, बहुत अच्छी कड़क, बहुत टाइटनेस है डोर में, कोई कमी नहीं हो, मजबूती बहुत डोर में, लपक देखिए लपक, जंपिंग जंपिंग बहुत, जंपिंग की कोई कमी नहीं, देखिए जंपिंग जंपिंग है, डोर टूट नहीं रही है, बहुत अच्छी कोशिश, स्ट्रेंथ कैसी, स्ट्रेंथ कैसी, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बहुत है इस मौसम में, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ बेकार है, जितनी स्ट्रेंथ ये है ये पूरी है, अब इससे ज्यादा टाइटनेस जो है वो जल्दी कट जाएगी, जंपिंग में स्ट्रेंथनेस नहीं चलती ज्यादा, जंपिंग में फिर जो है बस मीडियम स्ट्रेंथ, मजा बहुत अच्छा है, ट्राई करेंगे ज्यादा, तो ये दो ब्लॉक ये नया कारीगर है राफेल फाइटर, जो अभी कानपुर में शायद किसी दुकान पे ना आया, और एक साल से रेगुलर इसका जो है ऑनलाइन बाहर माल बहुत जा रहा, बहुत अच्छा बेच रहे हैं ये माल, और ये आ गया है ब्लैक इंडियन, जो ये बहुत अच्छा, इन्होंने हमको भी लेक्चर का दिया है इसका, कह के आप इसको आंख बंद करके उड़ाइए, और डोर मैंने देखी तो बहुत अच्छी डोर थी यहाँ पे, इन्होंने इसकी डोर और अच्छी निकाल के दिखाई आज, अब डोर काटा देखिए, अभी भी चाइना हो रही है, चाइना देखिए बहुत अच्छी डोर है, बड़े से बड़े टॉप क्लास के जो मंजे है उनको टक्कर देने वाली डोर है पूरी, चाइना हो रहा, चाइना पूरा एकदम जो है वो भारी से भारी पतंग वाली है, पतंग नहीं टूटेगी, ब्लैक इंडियन में बहुत अच्छी डोर है, अरे बिल्कुल बहुत अच्छी डोर है, देखो गोल्ड गांधी जी ने भी बहुत अच्छा गोल्ड डोर भी है, और बहुत अच्छी और कांटा भी है, गोल्ड डोर भी है कांटा भी, कारीगर भी है बहुत अव्वल दर्जे का कारीगर है, बहुत डोर हमने आपके पास देखी नाम, ये ब्लैक इंडियन सलीम बनारसी के नाम से एक और आता है इंडियन सुपर फाइटर, वो सबसे टॉप वाला है, इसमें धोनी का फोटो बना होता है, अच्छा अच्छा देखा धोनी वाला, और अच्छा मजा होता है, और नहीं यही डोर जब इतनी अच्छी है उसकी तो क्या कहनी है, डोर का सलीम बनारसी, ये नहीं कि सलीम बनारसी नाम सुना था, साबिर भाई के पास देखा, ब्लैक इंडियन का ब्लॉक है, इसके दो ब्लॉक है, एक ये है सही टाइम पे आए, हाँ आप वीडियो दोबारा, एक एकदम मजा आ रहा है, बहुत ही रिंग मतलब की हाँ जी मजा आ जाएगी, ये लॉन्ग रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज जो लोग फसा के लगाते हैं 100% ये फंसने वाले डोर है, बिल्कुल बहुत अच्छी डोर है, बहुत टाइमिंग देंगे, बहुत टाइमिंग देंगे, माल पूरा है कोई और, तो ये दो ब्लॉक आते हैं, ये राफेल फाइटर है और एक इनका है ब्लैक, बहुत अच्छी आवाज देखी, मजा आ गया, बहुत अच्छी कोई कमी नहीं, अंदर जितना खुलती जा रही है उतना ही डोर जा रहा है, इस नम मौसम में देखिए टाइड होने जा रही है, जो है रूमी भाई ये आपने आपको दो मांझे दिखाए थे, ये मांझे दिखाया गया, एक जावेद का मांझा दिखाया गया, रेट के हिसाब से जैसे कि ये मांझा जो है थोड़ा महंगा है, वो मांझा सस्ता था, ये डोर जो है, ये डोर है जावेद बेग की, ये 2300 रुपए की, ये 2600 रुपए की, अगर इसमें 19 या 20 का शायद थोड़ा बहुत फर्क है भी, तो रेटों का भी फर्क है, अगर रेट को नजर में रखते हुए आपसे कहें कि कौन सी 19 है कौन सी 20 है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, रेट को देखते हुए बहुत अच्छी डोर है, कोई जवाब नहीं, और इसका भी कोई जवाब नहीं, भाई अगर ये डोर शायद पहले तो गारंटी नहीं कि ये 20 बैठे या ये 20 बैठे, दोनों डोरें बहुत अच्छी, दोनों अपनी जगह एक नंबर की डोर है, अब अगर इससे मान लीजिए 20 बैठती है तो रेट भी थोड़ा रेट थोड़ा, तो दोनों में से आप कोई भी मांझा ले सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल लो रेट में जाना है तो आप ये ले लीजिए, ये मांझा तो बहुत आजकल लोग छोटे पेज की, ये वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी डोर है, हाथ पैसे अगर आपको दो टुकड़े का पेज आ रहा है, दो टुकड़े की बहुत अच्छी डोर है, और कलर भी इसमें ज्यादातर सारे के सारे डार्क है, आपको कलर का भी कोई इशू नहीं है, डोर नमी ले, अब इससे ज्यादा नमी तो देखिए ले नहीं सकते, हम लोग जहाँ बैठे हैं पंखे के नीचे बैठे हैं, डोर जितनी भी नम होनी थी जितनी भी कम होनी थी वो हो चुकी है, और इस नमी के बाद हम लोग इस माजे का रिव्यू कर रहे हैं, डोर एकदम तार के रहती है, छल्ले बल्ले एकदम कॉपर के वायर के रहते हैं, चाहे ये डोर हो और चाहे ये डोर हो, दोनों डोरें अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट है, तो ये जो रिव्यू हम कर रहे थे ये जावेद बेग वर्सेस हमारे सलीम बनारसी का रिव्यू हो रहा था, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन से मांझे ज्यादा अच्छे हैं या किसमें क्या कमी है, हाँ ये मांझा सलीम बनारसी में लक्की में दोनों में 19 बैठे का बल्कि 19-20 बैठ सकता क्योंकि इसका रेट काफी कम, ये आपको 1900 रुपए के अराउंड मिल रहा है, वो देखिए 2200-2300 के आस पास 2500-2600, तो इतना इतना फर्क है तकरीबन अगर इससे कंपेरिजन करेंगे हम इसका राफेल फाइटर का, ये राफेल फाइटर का या ब्लैक इंडियन का, तो देखिए ब्लैक इंडियन में और इसमें करीब करीब कितना फर्क बन रहा है, 600-700 रुपए का फर्क बैठा पर मिले, आप लड़ा रहे हैं क्या, रिजल्ट है इसका, हम तो ले रिजल्ट क्या है, अभी लड़ाया नहीं, अभी रखा है, मौसम नम था, हवा नहीं, इस वजह से एक दो रोज में लड़ा गया,
रिस्पॉन्स इसका देऊंगा मैं। तो जैसा भी लड़े आदित्य जी इसका हमें रिजल्ट दीजिएगा, कैसा मान जाए। बहरहाल देखने में बहुत अच्छे मांझे हैं, परफेक्ट लगे, मुझे भी लगे, हमारे आता को बहुत अच्छे मांझे हैं, आताब हमारे जबान के बिल्कुल पक्के आदमी है, सर कड़िया है, झूठ नहीं बोलेंगे, गलत तो नहीं कहा आताब जबान पे जाने जाते हैं, आताब झूठ नहीं बोल सकते। अगर ये कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ये चीज लिखित में है, रिकॉर्डेड है, कोई शिकायत नहीं, रोड एक नंबर जो है, लड़ा चुके जावे थे, बढ़िया रोड है जावे थे, कच्ची डोर हो या कोई कमजोरी हो, कोई कमी मसाले अच्छे तरीके से लगाए गए हैं, किसी तरीके से डोर में कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो आप लेते क्यों नहीं? हमने तो बस एक दफे ही लेना था, हमने मदद करके फौरन चढ़ा दिया। सबसे ज्यादा जो सीनियर खिलाड़ी जिनको माजों के बारे में तजुर्बा है, उनमें से ये अगर हम लोग कानपुर को छाने तो मेरे ख्याल से ऐसे चार या पांच खिलाड़ी निकल के आएंगे जिनको डोरों का बहुत शुमार है या बहुत ज्यादा तजुर्बा है। उसमें देख हमारे हाजी हाजी जी हमारे बहुत पतंग लगाते हैं, 365 दिन पतंग लगती है, पानी बूंद होगा उसी दिन नागा है हाजी जी का, 300 दिन रेगुलर आना, 300 दिन तो रेगुलर लगाते हैं, 65 दिन निकाल दिए कभी, ऐसे तो 300 दिन निकल जाते हैं, मगर सॉरी 65 दिन निकल जाते हैं, 300 दिन तो भोजन मिलना ही है, अगर भोजन ना मिले इनको कोई दिक्कत नहीं, पतंग मिलना चाहिए, पतंग ही इनका भोजन है, भोजन का नारा हमारा है, हमारा तुम्हारे साथ भोजन 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 का कोट वाला माला, ये हमारे कांटों में कोट चलता है, चबाओ चबाओ जब काटते हैं तो कहते चबा लिया, और जब पकड़ पाए चबाओ तो पंजाब आगे बहुत अच्छा भाई, ये हाजी चबाओ कर पा रहे हैं, ले कौन सा चरका है, ये हमारे हाजी जी बहुत जिंदा दिल आदमी है और बहुत उमदा आदमी है, मतलब इनके साथ रहो तो कब समय बीत जाता है, कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, और जो मात्र भाई खींच के अगला लड़ाता है, जिदारी से लड़ाता है, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल लड़कों को उखाड़ के फेंक देते हैं, लौंडों को खींच के बाहर, तो 17 से 18 साल या 20 से 25 साल की जो उम्र होती है वो एकदम जवानी से भरपूर होती है, और इतनी इतनी उम्र के लड़कों को तो ये खींच के बाहर फेंक देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों तजुर्बा भी है, टेक्निक भी है, और माशाल्लाह इस उम्र में पावर भी है, सब अल्लाह का करम है, सब उसका दिया हुआ करम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल बनाए सब्सक्राइब करिए, कैसा लगा वीडियो, थोड़ा सा फनी वीडियो होगा ये आप सबके लिए, आपको शायद कुछ ना कुछ नॉलेज मिला हो। सलीम बनासी और जावेद देख मुझे आपने किसके मांझे कभी यूज किए हो तो बताइए, या किसका मांझा आपको ज्यादा बेस्ट लगा, कभी कोई भी कमी आए इनके मांझे में तो जरूर बताइए, अगर आप यूज कर रहे हैं तो। वीडियो पसंद है लाइक करिए, चैनल बनाए सब्सक्राइब करिए, जय हिंद।